हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्थाना कुकिंग ब्लॉग। और आज अपने ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं चिकन बन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे ईस्ट एक चम्मच, और एक चम्मच ही लेंगे हम चीनी। चीनी और ईस्ट को हम जो है 10 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे इस तरह से। इसमें भी हमें नीम गर्म पानी डालना है और 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे हमने आधी किलो लिया है चिकन, और चिकन को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है। एक चम्मच लेंगे हम चिली फ्लेक्स, और एक बड़ी प्याज जो है हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। पैन में हमने 2 चम्मच लिया है ऑयल, और ऑयल जितना हो सके उतना कम लें, आपके बन उतने ही अच्छे बनेंगे जितना कम ऑयल हो। तेल जो है हमारा गरम हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। प्याज हमें जो है 50% ही फ्राई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। और ये बन जो है मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ, बिना ओवन बिना माइक्रोवेव के, बिल्कुल देसी तरीके से, ताकि आप सब लोग अपने घर पे बना सकें। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना चिकन। चिकन ऐड करके हमें इसको भी फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। और यहाँ पे हमारा चिकन हो गया है फ्राई, और ये देखिए पानी भी छोड़ने लगा है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, जो हमने आपको बताया था, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच हम ऐड करेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड, और आधा चम्मच करेंगे हम इसके अंदर नमक ऐड। वो नमक जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। ये सब मसाले डालकर भी हमें बस 2 से 3 मिनट तक के लिए अपने जो है चिकन फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमारे मसाले जो है फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच केचप, और 2 चम्मच केचप के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच ही करेंगे हम सोया सॉस ऐड, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें। यहाँ पे हमारा चिकन बनकर हो गया है रेडी, और हमारे चिकन के अंदर से खुशबू बहुत ही अच्छी शानदार सी आ रही है, बिल्कुल जूसी सा चिकन बना है हमारा। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे हम बनाएंगे अब अपनी बन। तो बन बनाने के लिए हमने 1 किलो ली है मैदा, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपना ईस्ट जो हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था ढककर। ये देखें हमारे ईस्ट में बहुत अच्छी तरह से झाग बन गए हैं, मतलब हमारा ईस्ट जो है बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गया है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा, अंडा ऑप्शनल है। और ये फिर जो है हाथ की मदद से अम्मी जो है बहुत अच्छी तरह से इसमें इसको मिक्स कर रही हैं, और इसी तरह से आपको भी बहुत अच्छी तरह से हाथ की मदद से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखें ये एक बाउल में मैंने पानी गर्म कर लिया था, हल्का गर्म पानी, ना ज़्यादा तेज़ गर्म करना है और ना ही ठंडा पानी यूज़ करना है। तो आपको बिल्कुल नीम गर्म पानी लेना है और उसी से अपने आटे को गूंदना है। ये देखिए इस तरह का हमने जो है डो बना लिया है अपना मैदा का। और अब इस डो को हम अब पत्थर पे तेल लगा के थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर मलेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं अपनी मैदा के डो को जो है 10 से 15 मिनट तक लगभग इसी तरह से मलती रहूँगी। आप जितना ज़्यादा इसे डो को मलेंगे, आपके बन उतने ही फूले फूले, उतने ही सॉफ्ट और अच्छे शानदार से बनकर रेडी होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखें हमारा मैदा का डो जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी सा बनकर रेडी हुआ है। तो हमने इसको इस तरह से शेप दे दी। तो यहाँ पे मैं अपनी डो को जो है कट कर लूँगी चाकू की हेल्प से, जितने बड़े मुझे बन बनाने हैं अपने उस साइज़ से। और यहाँ पे देखें थोड़ी सी मैदा हाथ पे लगा के बन बनाने हैं आपको। बन हमारे बनकर हो गए हैं रेडी सारे। तो इस तरह के इतने बड़े बड़े मैंने बन बनाए। बन के लिए मैंने लिए एल्युमिनियम की प्लेट, और उसके ऊपर लगाया है मैंने बटर पेपर, उसके ऊपर बटर लगा के, और ये जो है मैंने रख दिए हैं। और ये मैंने लिया है चिकन, चिकन का जो है मैंने पीस कर इस तरह से मिक्सर में पेस्ट बना लिया है जो चिकन मैंने बनाया था। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा बाउल भर के मोज़रेला चीज़। तो ये देखें मैदा की मदद से इस तरह से हमें अपने बन को फैला लेना है, उसके अंदर रखना है चिकन। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, और उसकी साइडों से हमें पानी लगाना है हल्का हल्का करके, फिर उसको इस तरह से मोड़ लेना है। फिर से हमें इसको बन का ही शेप देना है गोल। तो बहुत ही हल्के हाथ से आप करें, ये देखें बहुत ही नाजुक तरीके से आपको इसको फिर से बना लेना है बन के शेप में। और ये देखें हमारे बन बनकर हो गया है तैयार। तो इसी तरह से हमें अपने बाकी के बन भी बना लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखें हमारे बाकी के बन भी यहाँ पे हो गए हैं रेडी बनकर, और बहुत ही अच्छे से बने हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इस पर अंडे की जर्दी, वो ऑप्शनल है, बस कलर के लिए लगानी है। और इसके ऊपर ऐड करेंगे सफ़ेद तिल,
तो ये जो है हमारे बन जो है रेडी हो गए हैं। मैंने यहाँ पे एक भगोना रखा था, उसके अंदर स्टैंड रखा है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर रखूँगी अपनी बन। तो बन रख के मुझे एक घंटे के बाद इसको देखना है, तो मैं पहले भी देख सकती हूँ लेकिन एक घंटा पूरा लगना है। ये देखें, मैंने 40 मिनट पे ये यहाँ पे खोल कर देखा है भगोने का ढक्कन। तो हमारे बन जो है इतने शानदार से बनकर रेडी हो गए, लेकिन अभी इनका कलर आना बाकी है। तो ये देखें, एक घंटे के बाद मैंने फिर से इसको खोल के देखा और ये यहाँ पे हमारा कितना शानदार सा कलर आ गया है बन का, और बन बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको हमारे बन की सिंपल और इजी सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल आस्थाना कुकिंग ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह से बहुत ही अच्छी और शानदार सी इजी सिंपल रेसिपी देते रहेंगे, ताकि आप अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से ट्राई कर सकें। हमें कॉमेंट करके बताएँ कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।